हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा रहे थे और इसके हमने काफी सारे पैटर्न्स आप लोगों को समझा दिए थे। आई होप आप लोगों को वो सभी पैटर्न अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको उसके और क्वेश्चंस कराएंगे, यानी उसके और पैटर्न्स हम आपको समझाएंगे कि अल्फाबेट टेस्ट में हमारे और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। किस किन किन पैटर्न्स पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो सभी आज हम आपको और बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम अल्फाबेट टेस्ट को बिल्कुल खत्म कर देंगे, चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको जितना भी पढ़ा दिया है उसको आप घर पे रिविजन करते रहिए, क्योंकि जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो रीजनिंग है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। हम आपको जितना पढ़ा रहे हैं बहुत इजी वे में पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको इजीली समझ में आ जाए, और उसको आप कोई भी रीजनिंग की बुक ले लीजिए मार्केट से और वहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए, कुछ हमारे डिफरेंट पैटर्न्स आएंगे, कुछ हमने जो आपको पढ़ा दिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमारे उनका रिवीजन हो जाएगा, जितने पैटर्न्स हमने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो सब मिक्सअप होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया गया है, शब्द एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के पहले चार अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं, पुनः अगले चार अक्षरों को पुनः विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद के क्रम में बारवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमें यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इस वर्ड में हमारे देखिए 16 लेटर्स हैं, ठीक है ना। कितने लेटर्स हैं स्टूडेंट इसमें? 16 लेटर हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें चार चार का पेयर बनाना है और चार चार का पेयर बना के उन्हें अपोजिट करके लिखना है, ठीक है ना। इसी तरह से हमें पूरी वर्ड को अपोजिट करके लिखना है, चार चार के पेयर को, ठीक है। उसके बाद में हमें बताना है कि बारहवें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इस वर्ड को यहां पे लिख लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, एन थ्रो पो मोर फिज, ठीक है। यहां पे हमने पूरा वर्ड लिख लिया है। अब देखिए, हम इसे पहले चार चार का पेयर बनाते हैं। चार ये हो गए हमारे, ठीक है ना, चार हमारे ये हो गए हैं, ठीक, चार हमारे ये हो गए हैं और चार हमारे ये हो गए। अब हम देखेंगे कि देखिए बारहवां नंबर हमारे कौन से पेयर में आ रहा है। हमें पूरा अपोजिट करने की जरूरत नहीं है, अगर हम पूरे को अपोजिट करेंगे, अपोजिट करके विपरीत क्रम में लिखेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट हम आपको देखिए पहले शॉर्ट में बता देते हैं, फिर हम आपको लॉन्ग में डिटेल में बताएंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि बारहवां जो लेटर है वो हमारा कौन से पेयर में आ रहा है। तो देखिए, चार का ही हो गया, चार का ही हो गया आठ, और चार ये बारह, यानी बारह नंबर का जो हमारा लेटर है वो हमारा इस पेयर में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम केवल इसी पेयर को अपोजिट करेंगे, ठीक। जैसे कि पी हमारा पहले आ जाएगा, फिर हमारा आर आएगा, फिर हमारा ओ आएगा और फिर एम आएगा, ठीक। तो देखिए, अगर हम इनको अपोजिट करेंगे तो ये चार अपने अलग रहेंगे, इन चार को हम अपोजिट करके लिखेंगे तो ये चार हमारे अलग रहेंगे, आठ हो गए, फिर नौ दस ग्यारह बारह, बारह नंबर पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारा एम आ गया। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, एम, ठीक है। अगर आपको इसे करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वैसे आपको इजी यही रहेगा, वरना आप क्या करेंगे, चार चार के पेयर बनाए, पहले आप इसको पहले वाले पेयर को अपोजिट करके लिखें। देखिए, एच टी एन ए, फिर इसको ओ पी ओ आर, ये वाला हमने ऑलरेडी कर ही रखा है। इसके बाद में देखिए, एम एस आई एच, पूरा हमारा अपोजिट हो गया और इसमें हम काउंट कर लेंगे तो हमारे तब भी देखिए हमारा क्या आएगा, बारहवें नंबर पे एम आएगा, क्लियर आ गया समझ में। तो यहाँ पे देखिए, हमने वर्ड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म यूज किया हुआ है, हमारे एग्जाम में जरूरी नहीं है यही वर्ड दिया जाए, यहाँ पे हमारा वर्ड चेंज कर सकते हैं, पैटर्न सेम होगा, केवल वर्ड चेंज कर सकते हैं, क्लियर। इसी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। अब आते हैं हम देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, डिस्टर्बेंस शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दें, फिर दूसरे अक्षर को दसवें अक्षर से बदल दें और उसी प्रकार आगे भी, तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें एक वर्ड दिया गया है, डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख देती हूं, डिस्टर्बेंस, ठीक है ना, ओके। तो देखिए, यहाँ पे हमें कहा गया जो हमारा डिस्टर्बेंस वर्ड है, इसमें हमारे टोटल 11 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 11, ठीक है। तो
तो अब स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दें, यानी पहले अक्षर को हम अंतिम अक्षर से बदल दें, तो डी की जगह पे हमारा ई आ जाएगा और ई की जगह पे हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। दूसरे अक्षर को दसवें अक्षर से बदल दें, दूसरा हमारा आई है और दसवें नंबर पे हमारा सी आ रहा है, तो आई को हम सी से चेंज करें, तो आई के स्थान पे सी आ जाएगा और सी के स्थान पे आई आ जाएगा, ठीक है, बदल दें। और उसी प्रकार आगे भी, मतलब उसी तरह से हमें आगे भी यही करना है, ठीक है। तो देखिए हम आगे भी सॉल्व करते हैं, एस और एन को चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे एस आएगा, फिर टी और ए को चेंज करेंगे तो यहाँ हमारा ए आ गया और यहाँ पे हमारा टी आ गया, फिर यू और बी को चेंज करेंगे फिर यहाँ पे बी और बी के स्थान पे यू और आर हमारा ऐसे ही रहेगा। तो अब हम इसमें बताना है, तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा नया शब्द बना है, ठीक है, चेंज करके जो हमारा ये नया शब्द बना है, तो हमें इसमें टी के बाद कौन सा शब्द आ रहा है हमें वो बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा टी आ गया और टी के बाद क्या आ रहा है, एस, ठीक। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, एस, ठीक है, क्लियर। देखिए आपको कंफ्यूजन के लिए यू भी दे रखा है, क्योंकि पहले वाले वर्ड में हमें टी के बाद यू दे रखा था, तो कंफ्यूजन के लिए आपको देखिए यहाँ पे यू भी दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको नए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या पूछा गया है, ठीक। आपको पहले चेंज करने हैं और चेंज करने के बाद जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है, देखिए, तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो टी के बाद क्या आ रहा है हमारा, एस, तो हमारा आंसर क्या हुआ, एस, क्लियर। आगे समझ में ये, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि शब्द फेंटेड के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में ठीक मध्य का अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या आ, क्या कहा गया है स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें, देखिए इसमें एक शब्द दिया गया है फेंटेड, ठीक है ना। अब हमें कहा गया है कि जो हमारा शब्द है फेंटेड, ठीक है ना, इस शब्द को हमें जो हमारे अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट्स होते हैं ना हमारे, वो जिस सीरीज में हमारे अल्फाबेट सीरीज में जो है लगे हुए होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, जिस तरह से होते हैं उसी तरह से हमें इन वर्ड को यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक, इसी तरह से हम इनको अरेंज करेंगे। उसके बाद में इसके जो कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी देखिए यहाँ पे जो व्यंजन है, व्यंजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना, व्यंजन को जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में उसके पहले जो लेटर्स आते हैं उनसे चेंज करना है, और जो हमारे इसमें देखिए जो स्वर है, ठीक है ना, स्वर, स्वर मतलब वोबल, वोबल को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से, यानी जो हमारी वर्णमाला है इंग्लिश की, है ना, अल्फाबेट्स जो है उसमें हमारे वोबल्स को उनके अगले लेटर से चेंज करना है, ठीक, समझ के। अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ पे वर्ड नोट कर लिया है फेंटेड, पहले हम इसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेट में देखिए सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले ए आता है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ए, हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। एफ को हमने पहले क्या आता है हमारा, ए, ठीक, ए के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स हमारा, डी, ठीक है ना, डी, डी के बाद क्या आता है, ई, ई आ गया, ई के बाद क्या आएगा, एफ, ठीक है ना, ये आ गया हमारा एफ, एफ के बाद क्या आएगा देखिए, आई, ये आ गया हमारा आई, फिर एन, ये आ गया हमारा एन, और उसके बाद में टी, ठीक है ना। तो हमने अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर लिया है, ठीक। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए स्वर, स्वर यानी कि वोबल्स, इसमें जो हमारे वोबल हैं, वोबल्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से चेंज करेंगे, मतलब देखिए वोबल इसमें जैसे हमारा ए है, ठीक है ना, तो हमारे अल्फाबेट्स में ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो हम इस ए की जगह पे क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, बी, ठीक है। और देखिए हमारे इसमें और कौन कौन से वोबल्स हैं, और नेक्स्ट है हमारा ई, ई से नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ई हमारा चेंज हो जाएगा एफ में, ठीक, और उसके बाद में आई, आई हमारा किस में चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा जे में चेंज, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, वोबल्स को अगले लेटर से हमें चेंज करना है, ठीक। उसके बाद में हमारे पास ये हमारे कॉन्सोनेंट्स बचे हुए हैं, तो कॉन्सोनेंट को क्या करना है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, हिंदी में बोलते हैं उन्हें व्यंजन, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से बदलना है, यानी जो हमारे यहाँ पे कॉन्सोनेंट दिए गए हैं उनको उनसे पहले वाले लेटर से हमें चेंज करना है, ठीक है।
तो देखिए हमारा डी, यहाँ पे डी हमारा कॉन्सोनेंट है, डी से पहले क्या आता है सी, ठीक, एफ से पहले क्या आता है ई, एन से पहले क्या आता है एम, और टी से पहले क्या आता है एस, ठीक। तो हमारा जो नया वर्ड बना, नया हमारा ये वर्ड बना है। अब हमें ये बताना है कि अब हमसे लास्ट में क्या पूछा गया है, देखिए लास्ट में हमसे पूछा गया है, देखिए बदल बदल दिए जाए तो नई व्यवस्था में ठीक मध्य का अक्षर क्या होगा। तो जो हमारा नया वर्ड बना है, जो हमारी नई व्यवस्था यहाँ पे बनी है, उसमें ठीक बीच का अक्षर क्या है। तो आइए हम देखते हैं इसमें हमारे ठीक बीच में क्या आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट हमारे इसमें ठीक बीच में ई आ रहा है, ठीक है ना। ई से पहले हमारे ये तीन वर्ड दिए गए हैं और ई के बाद हमारे तीन ये लेटर दिए गए हैं। तो ठीक बीच का वर्ड क्या हुआ हमारा ई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ई। क्लियर आ गया समझ में आपको ये। इसी तरह से देखिए इसमें हमें कोई भी वर्ड दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमें फेंटेड दिया गया है और हमें एग्जाम में कोई और वर्ड भी मिल सकता है, बस आपको पैटर्न याद रखना है, आपको क्वेश्चन या आपको पैटर्न याद रखना है कि इस तरह से अगर हमसे क्वेश्चन आ जाता है हमें एग्जाम में तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके आगे समझिए। अब आते हैं देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फिगर्स शब्द में सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि स्वरों की व्यवस्था पहले आती है और बाद में व्यंजनों की, तो व्यवस्था के बाद U और R के मध्य कितने अक्षर हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया गया है फिगर्स, ठीक, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। देखिए F I G U R E S, ठीक, फिगर्स। अब हमें इसको देखिए अपने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसको अरेंज करना है और उसके साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि पहले हमें वोबल को लिखना है, उसके बाद हमें कॉन्सोनेंट को लिखना है, ठीक है ना। ये देखिए दिया गया अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि स्वरों की व्यवस्था पहले आती है, स्वर यानी वोबल, वोबल हमारे पहले आएंगे, ठीक, और व्यंजन उसके बाद में आएंगे, यानी जो हमारे कॉन्सोनेंट है वो हमारे वोबल के बाद आएंगे, ठीक। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारे वोबल कौन कौन से हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारे वोबल हैं इसमें, देखिए आई है, यू है और ई है, ठीक। तो हमारा देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसमें हमारा सबसे पहले आएगा ई, ठीक, उसके बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स आई, और फिर क्या आएगा यू, ठीक है ना। ये आगे हमारा ई आई यू। अब आगे हमारे ये तीन वोबल, अब क्या बचे हमारे कॉन्सोनेंट्स बचे, ठीक। तो अब देखिए हमारे ये चार कॉन्सोनेंट्स बचे हैं, एक दो तीन और ये चार, ठीक। अब हमारे ये चार कॉन्सोनेंट्स बचे हुए हैं, अब हम इनको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा एफ, फिर जी, फिर आर और फिर एस, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पे देखिए नई व्यवस्था बनी है। तो अब इसमें क्या गया, और बाद में व्यंजनों की, ठीक, यहां तक आ गया, हमने यहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो व्यवस्था के बाद यू और आर के मध्य कितने अक्षर हैं। तो अब हमें बताना जो हमारी नई व्यवस्था बनी है उसमें यू और आर के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, देखिए ये रहा हमारा यू और ये रहा हमारा आर, और इन दोनों के बीच में कितने, इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं, दो लेटर आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट हमारा, दो। क्लियर आगे समझ में आपको ये क्वेश्चन। देखिए मैं आपको इसमें फिर से बता देती हूँ हमने क्या करा है। हमें यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया गया था फिगर्स, ठीक है, उसको हमें हमारे अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग बाएं से दाएं अरेंज करना था, ठीक, और उसमें एक हमें कंडीशन थी कि सबसे पहले हमें वोबल लिखने हैं, उसके बाद में हमें कॉन्सोनेंट लिखने थे, ठीक है। फिर जो हमने उनको अरेंज कर दिया और अरेंज करने के बाद में हमें यू और आर के बीच में बताना था कि कितने लेटर आ रहे हैं। ओके आगे समझ में। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे पहले हमने इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है हमें, तो पहले हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे तब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन से ही पता चलेगा कि हमें इसमें करना क्या है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि देखिए ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, ठीक है, यहाँ हमें तीन क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों में देखिए हमें एक एक शब्द दिया गया है, ठीक है। इन शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच पीछे तथा आगे दोनों दिशाओं में, ठीक है, शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे हमें ये करना है कि हमें देखिए एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, हमें इसमें इतने पेयर ढूंढने हैं, हमें इसमें वो पेयर ढूंढने हैं
कि इसमें भी उतने ही वर्ड आ रहे हों उन दो पेयर के बीच जितने कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला जो है, हमारी अल्फाबेट सीरीज जो है उसमें वर्ड आते हैं। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, तब आपको इजली समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि हमें पहला वर्ड दिया गया है यहाँ पे क्रॉनिकल। ठीक, अब इनमें यहाँ पे हमें ऐसे वो पेयर ढूंढने हैं जिनके बीच में यहाँ पे भी उतने ही लेटर आ रहे हैं जितने की हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं, देखिए सीधा सीधा तो एक हमें देखो, चाहे वो हमें इधर की साइड में मिले, चाहे हमें फॉरवर्ड साइड डायरेक्शन में मिले, चाहे हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में मिले, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में चाहे हमें वो वर्ड मिले। ठीक, जैसे कि देखिए एक पेयर तो हमें ये मिल गया सी और ई का। ठीक है, आया आपको समझ में कि ये पेयर कैसे हुआ? देखिए सी, हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे हाथ के हाथ, देखिए सी और ई। ठीक, सी और ई का पेयर कैसे बना? देखिए सी और ई के बीच में यहाँ पे भी एक शब्द है और हमारे अल्फाबेट में भी देखिए सी और ई के बीच में एक ही शब्द आता है, जैसे कि सी डी और ई। ठीक है ना, आगे समझ में, तो सी और ई के बीच में केवल एक ही शब्द आता है हमारे अल्फाबेट्स में डी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए सी और ई के बीच में केवल एक ही शब्द है, तो एक पेयर तो हमारा ये बन गया। ठीक है, अब और देखते हैं और कोई पेयर बन रहा है क्या? ई का पेयर एल के साथ? नो। ई के पेयर सी के साथ? नहीं। ठीक, ये तो हमारे इसी तरह से बन गया है। ई का आई से? नो। ई का एन से? नहीं। ई ओ ई आर, देखिए इसमें और कोई पेयर हमें नहीं दिख रहा है इधर ई के साथ में। अब हम आगे आते हैं, आगे देखिए हम एल के साथ में कोई पेयर आपको बनता हुआ दिख रहा है? नहीं। सी के साथ में, आइए हम इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, सी के साथ में हमें एक और पेयर मिला, देखिए कैसे, देखिए सी और एच के बीच। ठीक है ना, किसके? सी और, एक तो सी और ई के बीच में था केवल एक ही आता, और यहाँ पे अब दूसरा है सी और एच के बीच। हम जब बैकवर्ड गए तो यहाँ पे सी और एच के बीच में देखिए सी डी ई एफ जी एच, आगे ना सही सही। अब देखिए जब हम अल्फाबेट्स में देखेंगे तो सी और एच के बीच में हमारे चार शब्द आते हैं। ठीक है, हमारे अल्फाबेट्स में भी चार आते हैं और यहाँ पे भी सी और एच के बीच में हमारे चार ही शब्द आ रहे हैं, तो दूसरा पेयर हमारा कौन सा बना? सी और एच का। क्लियर, आगे समझ में? अब और देखते हैं और किसी का है? और किसी का नहीं। और देखिए हमारा एक इसका है एन ओ, ठीक है ना, इसका एन और ओ का। ठीक, जब हम पढ़ते हैं जे के एल एम एन ओ, एन के बाद में क्या आता है? ओ, तो ऐसे ही देखिए हमारा क्या आ गया? एन ओ। तो यहाँ पे हमें कितने पेयर मिले? तीन पेयर मिले। ठीक, इसके अलावा आपको कोई पेयर दिख रहा है ऐसा? नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें केवल कितने पेयर मिले हैं स्टूडेंट्स? तीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? तीन। ओके, आगे समझ में? ऐसे ही अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स। ठीक, अब हमें मैथमेटिक्स में पेयर ढूंढने की ऐसे कितने पेयर हैं। देखिए आ रहे हैं आपको समझ में? आप इसको थोड़ा सा ढूंढिए खुद ही, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से पेयर हैं। नहीं आया समझ? देखिए अब यहाँ पे देखिए एक पेयर तो हमारा एम का टी के साथ है, ठीक है ना, एक हमारा एम और टी के बीच है। देखिए अब हम पढ़ते हैं, देखिए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक, तो एक पेयर हमारा कौन सा बना? एम और टी का। ठीक है, और बताइए और कुछ आ रहा है आपको समझ? और देखिए और एक पेयर हमारा यहाँ पे बनता है ई और आई का। ठीक है, इसका ई और आई का, देखिए ई एफ जी एच आई। ठीक, आगे समझ में? तो देखिए हमारे यहाँ पे भी ई और आई के बीच में तीन ही लेटर आ रहे हैं और हमारे अल्फाबेट्स में भी ई और आई के बीच में तीन ही लेटर आते हैं। क्लियर, आगे समझ में? अब देखिए कोई और आपको यहाँ पे पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई और पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पे केवल हमारे दो ही पेयर बने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देखिए केवल दो ही पेयर बने, तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ? दो। ओके, क्लियर, अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा बोरिंगली। ठीक, अब देखिए बोरिंगली में हमें कितने पेयर मिल रहे हैं? देखिए स्टूडेंट्स मिले, देखिए एक पेयर तो हमारा बी और जी के बीच में बना हुआ है, ठीक है ना, बी और जी के बीच में। आइए हम रीड करते हैं, देखिए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, एक पेयर हमें क्या मिल गया? बी और जी का, ठीक है ना, आगे समझ? दूसरा देखिए मिला,
देखिए दूसरा मैं आपको बताती हूँ, दूसरा है हमारा एल और एन के बीच, ठीक है ना, इसके एल और एन के, देखिए एल एम एन, ठीक है ना, एक पेयर हमारा कौन सा हो गया एल और एन का। और देखिए और कौन सा पेयर आपको मिल रहा है, मिला, और देखिए और है हमारा आई और एल का, ठीक है ना, देखिए आई और एल, ठीक, देखिए आई आई जे के एल, ठीक, यहाँ पे भी देखिए हमारे आई और एल के बीच में केवल दो लेटर आ रहे हैं, और हमारे अल्फाबेट्स में भी आई और एल के बीच में केवल दो लेटर आते हैं, ठीक है। तो और कौन सा पेयर बना हमारा आई और एल का, ओके। और देखिए और कौन सा पेयर बन रहा है स्टूडेंट्स, देखिए आया समझ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, और बन रहा है हमारा जी और आई का, ठीक है ना, किसका, जी और आई का, कैसे, देखिए जी एच आई, ठीक है ना, तो चौथा पेयर हमारा कौन सा बना, जी और आई का, क्लियर, आगे समझ में। तो यहाँ पे हमारे देखिए कितने पेयर हैं, यहाँ पे हमारे चार पेयर बने हैं, चार का ऑप्शन है, हाँ देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तीन से अधिक, यानी हमारा क्या, यहाँ पे हम किस ऑप्शन पे टिक करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम करेंगे तीन से अधिक वाले ऑप्शन पे, ओके क्लियर, आगे समझ में। तो एक पैटर्न हमारा ये हो गया, इस पैटर्न पे हमने आपको तीन क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है, और इसी तरह से आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ओके। तो अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और पैटर्न्स बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, शब्द कैंपेन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है, आइए आपको समझ में, देखिए मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमें एक शब्द दिया गया है कैंपेन, ठीक है ना, तो अब हमें ये कहा गया है कि जो हमारे कैंपेन में जो भी हमारे लेटर यूज हुए हैं इस वर्ड को बनाने के लिए, उन्हें हम अपनी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अरेंज करेंगे, ठीक है ना, जैसे हमारी अंग्रेजी वर्णमाला अरेंज होती है ए टू जेड तक, उसके अकॉर्डिंग हम इन लेटर्स को अरेंज करेंगे, और उसमें हमें ये देखना है कि कैंपेन में और जो हमारा नया वर्ड बना है अरेंज करने के बाद में, उसमें हमारे ऐसे कितने लेटर हैं जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कैंपेन, ठीक है ना, सी ए एम पी ए आई जी एन, ठीक, अब हम इसको देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अरेंज करते हैं, ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में इसमें से देखिए हमारा सबसे पहले क्या आएगा, ए और ए आएगा, ठीक, ए और ए, ठीक, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में देखिए हमारा सी आता है, तो फिर हमारा सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए सी के बाद में हमारा जी आएगा, ठीक है ना, जी आ गया, जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद हमारा आई आएगा, ओके, फिर हमारा आई आ गया, उसके बाद में देखिए फिर हमारा एम आएगा, है ना, फिर एन आएगा, और लास्ट में क्या बचा, पी, फिर हमारा आ गया पी। अब देखिए यहाँ पे हमारे कितने लेटर हैं जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया है, यानी कि वो अपने उसी प्लेस में है, तो देखिए यहाँ पे केवल ये एक लेटर है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, कितना, एक ही है, देखिए यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो हमारा इसका आंसर हुआ एक, वरना देखिए कोई है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए हो गया, एम सी पी जी ए आई आई एन जी एन एन पी, ठीक है ना, और कोई लेटर नहीं है जिसने अपना स्थान चेंज नहीं किया है, केवल एक ए है जिसने अपना स्थान चेंज नहीं किया है, क्लियर। अब देखिए ऐसे ही हम आपको एक और क्वेश्चन करके बता देते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा, शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें वर्ड चेंज कर दिया, यहाँ पे हमें क्या दे दिया, वंडरफुल, तो आइए हम पहले वंडरफुल लिखते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने वंडरफुल लिखा, अब इसको क्या करना है, हमें जो हमारी वर्णमाला है उसके क्रम में क्रमबद्ध करना है, यानी हमें अपने अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग इन लेटर्स को अरेंज करना है, ठीक है, तो आइए इनको अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसमें हमारा सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सबसे पहले हमारा डी आएगा, है ना, सबसे पहले हमारा डी आ गया, डी के बाद क्या आएगा, ई, फिर हमारा ई आ गया, ई के बाद एफ, ठीक है ना, एफ आ गया, एफ के बाद एल,
एफ के बाद हमारा देखिए एल आ गया, एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद हमारा आएगा एन, है ना, हमारा एन आ गया, एन के बाद ओ, फिर हमारा ओ आ गया, ओ के बाद आएगा हमारा आर, फिर हमारा देखिए आर आ गया, आर के बाद फिर यू और फिर डब्ल्यू, ठीक है, आगे समझ में। तो हमने देखिए जो हमारे वंडरफुल के लेटर्स थे उनको हमने हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यानी हमारी अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर लिया है। तो अब देखते हैं हम कि यहाँ पे हमारे कितने लेटर ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया है। देखिए डब्ल्यू डी हो गया चेंज, ओ ई भी चेंज हो गया, एन एफ बी डी एल ई एन आर ओ एफ आर यू यू, देखिए यहाँ पे हमारा ये यू है जिसने अपना स्थान चेंज नहीं किया है और एल ने भी डब्ल्यू से चेंज कर लिया, ठीक है, तो किसने चेंज नहीं किया है, यू ने, यानी एक, ठीक, तो हमारा यहाँ पे एक लेटर है, एक अक्षर है जिसने अपना स्थान चेंज नहीं किया है। ओके क्लियर, आगे समझ में आपको, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न बताती हूँ। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं, इन्हीं पैटर्न पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे हटकर नहीं आते हैं अल्फाबेट टेस्ट में। ओके नोट कीजिए, अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया है कि देखिए यदि शब्द एस्टेरॉयड में अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है और इस क्रम में बाईं ओर से प्रत्येक अक्षर को संख्यात्मक मान 1, 2, 3 से चिन्हित किया गया है तो बाईं तरफ से व्यंजनों की स्थिति के कुल मान का योग है, यानी हमें कुल मान का योग बताना है। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ स्टूडेंट की इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक शब्द दिया गया है एस्टेरॉयड, ठीक है, पहले हम उसको लिख लेते हैं, देखिए एस्टेरॉयड, ठीक है ना, हमने यहाँ पे वर्ड लिख लिया, ठीक है ना, एस्टेरॉयड, ठीक। अब हमें इसमें कहा गया है कि एस्टेरॉयड में अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी जो हमारे एस्टेरॉयड के जो हमारे लेटर्स हैं उनको जो हमारी वर्णमाला है अंग्रेजी वर्णमाला होती है हमारी अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है, ठीक है, तो पहले हम इनको अरेंज करते हैं फिर हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अब देखिए जब हम इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट हमारा इसमें, देखिए सबसे पहले तो हमारा ए ही आएगा, ठीक, उसके बाद में डी आएगा, ठीक है ना, आपके आगे हमारा डी, डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद स्टूडेंट हमारा ई आएगा, है ना, ई के बाद आई आएगा, ओके, आई के बाद फिर ओ आएगा, ठीक, ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद हमारा देखिए आर आएगा, आर के बाद फिर एस और एस के बाद टी, ठीक। तो अब देखिए इनको हमने अपनी वर्णमाला के अनुसार हमने अरेंज कर लिया है, ठीक, तो हमारा देखिए यहां तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, व्यवस्थित किया गया है। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए आगे कहा है और इस क्रम में बाई ओर से प्रत्येक अक्षर को संख्यात्मक मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से चिन्हित किया गया है, यानी अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इनमें लेफ्ट साइड से ये जो हमारे लेटर्स हैं इनको नंबरिंग करना है, यानी ठीक है इन्हें नंबर देना, जैसे ए को हमने 1 दिया, डी को 2, ई को 3, आई को 4, ओ को 5, आर को 6, एस को 7 और टी को 8, ठीक है, इस तरह से हमने इनकी नंबरिंग की है, ठीक। अब क्या करने आगे, अब हम देखते हैं, तो बाईं तरफ से व्यंजनों की स्थिति के कुल मान का योग है। अब हमें इसमें देखिए बाईं तरफ से जो हमारे यहाँ पे व्यंजन, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स, तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट्स के हमारे नंबर देखने हैं, लेफ्ट साइड से हम कॉन्सोनेंट के नंबर्स को फाइंड करेंगे फिर उनका योग बताएंगे यानी उनका सम बताएंगे कि उसका कितना आंसर आ रहा है। तो देखिए हमारे यहाँ पे कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, एक तो हमारा डी है, ठीक है ना, डी के बाद में बताइए क्या है स्टूडेंट्स, डी के बाद में हमारा फिर आर आ गया, आर के बाद में फिर हमारा एस आ गया और एस के बाद में फिर हमारा टी आ गया, यानी कि देखिए 2 + 6 + 7 + 8, तो स्टूडेंट हमारे कितने हो गए, देखिए इनका हमारा टोटल योग हो गया 23, ठीक है ना, कितना हो गया इनका टोटल योग 23, तो हमारे इसका आंसर क्या हुआ 23, क्लियर, आगे समझ में। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखिए स्टूडेंट
यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया गया था एस्टेरॉयड, हमें इसके लेटर्स को अपने अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, हमने उसको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद में उनकी नंबरिंग करनी थी, हमने यहाँ पे फिर उसकी नंबरिंग की, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे लेटर थे तो उसमें 8 तक हमारी नंबरिंग हुई है। फिर हमें इसमें से कॉन्सोनेंट लेफ्ट साइड से हमने जो कॉन्सोनेंट थे उनकी जो नंबरिंग थी, ठीक है, कॉन्सोनेंट को जो नंबर दिया गया था उन टोटल में जितने भी कॉन्सोनेंट थे उन सभी का हमें सम बताना था कि टोटल का हमारा सम कितना हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखिए हमने कॉन्सोनेंट फाइंड किए और उनकी जो हमारी नंबरिंग थी उनका हमने सम निकाल ली, तो उसका हमारा सम क्या आया स्टूडेंट, 23। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 23। ओके क्लियर। तो देखिए इस तरह से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, अब आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स हो गया नोट। तो देखिए इसी के साथ में हमारा अल्फाबेट चैप्टर, अल्फाबेट टेस्ट चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट देखिए हमने आपको जितने भी पैटर्न आपको बताए हैं आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप एक बुक ले लीजिए रीजनिंग की, है ना, उसमें हमारे उसमें काफी सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी हो रही है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी रीजनिंग में स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें भी हमें स्पीड चाहिए होती है कि हम जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सके। क्लियर। तो हमारा यहाँ पे अल्फाबेट टेस्ट खत्म होता है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आपको इसमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आया स्टूडेंट तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।